संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए प्रशासन ने नाव की खरीदारी शुरू की है। मंगलवार को 3 नाव बाराबंकी से खरीदारी करके कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिलाधिकारी ने नाव की चेकिंग करते हुए उसकी बारीकियों की जानकारी ली। इस दौरान CDO अनुज सिंह, ADM प्रशासन प्रभु नाथ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बंदों पर निवास करने वाले लोगों को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में बाढ़ से प्रभावित 52 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों में से किसी सुरक्षित स्थान पर संचालित कराया जाएगा, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया। उनका कहना है कि सर जब ये गांव में जाएगा तो इसमें लगभग 3-4 हज़ार रुपए और खर्चा पड़ेगा। ये बताओ यार, ये काम की चीज़ है, काम में होगा? अच्छा है, बढ़िया है, मंगा दूँ। और दो मंगाने के लिए बात चल रहा था, तुम ओके करोगे तो और बाकी मंगा दूँ। इसमें सैंपल ये एक बार यार पानी में डाल के एक बार देख लें, इन लोग को दिखा दें। तो ये जाने के बाद पानी में ही डालना पड़ेगा, तभी चल पाएगा। पानी डाल कर आप इसमें जो कमियां बताएंगे उसको सही करा देंगे, उनसे ही करा देंगे। फिर कह करके क्या क्या काम हो सकता है ना, वो कहाँ करने आएंगे? नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि बचाना था, हम लोग को बचाना यार, हम लोग को करना पड़ेगा था। इनका कहना है कि सर की अगर ये करके भेजा तो भी कर भी गया है। ये लकड़ी आप कह रहे तो उसका कटहल का है, कटहल का साथ एकदम लेके जाओ उसको यार, तैर के बता देना सर, इसी सर यही करें। पहले तो आप पहले ना आपके गाँव में दे देंगे उसको, ये आप ओके कराएंगे, बाकी मंगा देते हैं, है ना? मंगा दो फिर चलिए। रायपुर में प्रमुख 7 नदियां हैं, उस पर जल स्तर 2 नदी में तो लगातार बढ़ रही है, ये घाघरा और राप्ती में हम लोग का लगातार खबर मिल रही है। उसके हिसाब से जो हम लोग का जो कहां कहां कटान हो रही है उसको रोकथाम के लिए हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर दिए। बीच में 2 बार बारिश हुई है, उस पर रेनकट्स और रैट होल को भी हम लोग का पता चला, कहां कहां बंदे में रेनकट्स हुआ है, उसका मरम्मत का काम अभी जारी है। फिलहाल हम लोग का ध्यान शहरी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ताकि हल्की भी बारिश हो जाता है जलभराव की स्थिति हो जाता है। कल इसलिए तो अलग मीटिंग हमने बुला रखा था, यहाँ 70 वार्ड है गोरखपुर नगर पालिका में, उसका वार्ड वाइज हम लोग नोडल ऑफिसर तैनात कर रहे हैं। फिर ये कंट्रोल रूम का स्थापना हर जगह करवा रहे हैं और उसका नंबर भी प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। यदि हल्की भी बारिश होता है तो हमें पता चलता है तो किस क्षेत्र में जलभराव का समस्या रहता है, उसको तुरंत हम लोग मशीन लगा करके पानी का पंपिंग करा के सही करा देंगे। और जगह जगह आप जानते हैं अतिक्रमण के वजह नाला नाली पे वो आगे पानी नहीं निकल पा रही थी, उसका अतिक्रमण का लगातार हम लोग हटवा रहे हैं। आज भी अतिक्रमण हम लोग हटाने का अभियान चल रही है, कल भी लगातार जारी रहेगा। यदि तो बड़ा नालियाँ नाली के ऊपर जो अतिक्रमण हट जाएगा, 90% समस्या अपने आप दूर हो जाएगा। बाकी चीज़ का जो पिछले बार पंप सेट कुछ जगह काम नहीं कर रहा था हावर्ड बंदा पे, वो सारे अब लोग इस बार चालू करा दिए हैं, वो सारे फिट कंडीशन में है। और जगह जगह पंप सेट का कहाँ ज़रूरत है और विभाग से भी हम लोग मंगा करके लगवा रहे हैं,
वैसे इस बार हम लोग जो PWD विभाग से भी अपने सामग्री का सहयोग लेंगे, GDA के भी अपने विभाग से सहयोग लेंगे, फायर वाले से भी, फायर सर्विस वाले से भी सहयोग लेंगे। इसी टाइप का अन्य विभाग जो पिछले बार इतने सहयोग नहीं दिए हैं उन लोग से भी सहयोग ले रहे हैं, ताकि उन लोगों को सामग्री के भी हम लोग इस बार जो बाढ़ के समय में यूज़ करेंगे। जी देखिए, लगातार यहाँ तो पिछले बार 600 गांव में बाढ़ का स्थिति रहा, मरून रहा गांव, बिल्कुल पानी से घेरा रहा है। वैसे हम लोग 120 ग्राम पंचायत है यहाँ, लगातार बरसात के समय में कट जाता है, उसका ग्राम पंचायत निधि के माध्यम से हम लोग बाहर से अच्छा क्वालिटी नाव बना करके मंगवा रहे हैं बाराबंकी से। वो नाव करीब 40,000 रुपया के आसपास बैठता है, 15 लोग 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण नाव है। उसको आज से मंगाना चालू करा दिया, आज तो 3 नाव आया है, एक सप्ताह में हम लोग को बाकी नाव भी, यदि ये नाव सही है तो फिर बाकी नाव भी मंगा देंगे। 120 ग्राम पंचायत कहाँ कहाँ बाढ़, हर साल बाढ़ का समस्या रहता है, उस पर नाव पहले ही तैयारी रहेगा। देखिए, हारवर्ड बंदा जो छोड़ीकरण होने वाली है उसका सर्वे भी हम लोग करा दिए, उन लोग को दूसरे जगह बसाएंगे। बाकी कहाँ कहाँ बंदे पे इन लोग बस गए हैं, उन लोगों का हम लोग दूसरे पुनर्वास के लिए ज़मीन दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कितने जल्दी शिफ्ट हो जाए, अच्छी बात है। वैसे जगदीशपुर 2-3 गाँव को हम लोग पिछले बाढ़ के समय में शिफ्ट कराए, इस बार ज़मीन पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन लोग चाहते तो दूसरे जगह शिफ्ट हो सकता है, उसका भी हम लोग योजना में लिए हैं। बावन विद्यालय हम लोग का पिछले बार बाढ़ के समय में करीब 3 महीने बंद रहा है, इस बार उसका मरम्मत के लिए पैसा आ गया, मरम्मत तो भले करवा रहे हैं बट उसको दूसरे जगह शिफ्ट कराने के लिए हम लोग ज़मीन भी ढूंढने के काम प्रारंभ कर दिए। अब इस बार तो बाढ़ के पहले इसको प्रस्ताव बना करके भेज देंगे, स्कूल, नया स्कूल जो ऊँची जगह, उसी गाँव में आसपास ऊँची जगह बन जाएगा हमारा। फिलहाल इस बार का बाढ़ का जो पिछले बाढ़ का जो कितने क्षति हुई है उसका 50 लाख रुपया हमने रिलीज़ कर दिया है, उसका मरम्मत का काम जारी है।